हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ठाकुर जया, वर्किंग हेड फुटबॉल ट्रेनर एम पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल गणपत विद्यालय खेरवा। टुडे इज माय टॉपिक थ्रो बॉल। तो आज हम प्लान करेंगे थ्रो बॉल। तो हमारे जो फुटबॉल गेम में जो थ्रो बॉल आता है वो ऐसे आता है कि जो हमारे फुटबॉल ग्राउंड होता है उसके बाद जो ये लाइनिंग होती है, मैं आपको बताती हूँ कि लाइनिंग जो होती है ये हम जब गेम खेलते हैं तो हमारा जो बॉल पैरों से या बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं फाउल। तो हम उस फाउल जो हमें फाउल करते हैं तो सामने वाले को बॉल मिल जाता है। तो हमें फाउल के मैं आपको जो डेमो बताती हूँ कि जो फाउल करते हैं वो ऐसे ऐसे करके ऐसे दोनों पैरों ज़मीन पर रहने चाहिए और बॉल को ऐसे रखना है ऐसे। तो फ्रेंड, हम जो गेम में जो गलतियां करते हैं कि हमारा बॉल पैरों से बाहर निकल जाता है तो हमारी टीम जो हमारी टीम बाहर निकलती है बाहर बॉल भी, तो वो सामने वाले को बॉल मिल जाता है। इसीलिए हमें फाउल नहीं करना है ज़्यादातर। वो कोई भी गेम खेलते हैं, फुटबॉल में कोई भी गेम खेलता है तो उसके द्वारा वो फाउल तो ज़रूर होता है। इसलिए हमें फाउल जो होता है तो सामने वाले को बॉल मिल जाता है, तो हमारा बॉल सामने वालों को मिल जाता है। तो इसीलिए हमें उसके जो फाउल का जो थ्रो करते हैं उस बॉल को ऐसे थ्रो करना चाहिए। तो हम इस फिर से कर लेते हैं, ऐसे ऐसे थ्रो करेंगे, हमारे सामने वाले खिलाड़ी को हम देंगे, फिर ऐसे आकर ऐसे ऐसे हम दे सकते हैं हमारे बॉल को और हमारे खिलाड़ी को बॉल मिलता है। तो हमारी पोजीशन ये होनी चाहिए कि जमीन जमीन पे दोनों पैर जुड़े रहने चाहिए और ये है बॉल को ऐसे पकड़ना है ऐसे, मतलब कि जैसे डब्ल्यू आकार के ऐसे पकड़ना है और हमें ऐसे आकर पैरों को जो ऊपर ले गए तो फाउल फिर से होगा। इसीलिए दोनों पैरों को जमीन पे रखना है ऐसे और बॉल को हमको ऐसे देना है। तो हमने जैसे कहा कि जो बॉल हमारे पास होता है तो हम जैसे आकर ऐसे ऐसे करके देते तो फिर से फाउल होगा। तो हमें इस ये जो लाइन मैंने की है उसके बाहर पैर नहीं ले जाना है तो फिर से फाउल होगा। इसीलिए हमारे जो फुटबॉल गेम में है लाइन के यहाँ होना चाहिए और हमें जैसे करके ऐसे भी दिया तो भी चलेगा। तो हम फिर से करते कि बॉल ऐसे ऐसे फिर से दे सकते हैं। तो हमारे हम दूर जाते हैं बॉल लेकर, जब ग्राउंड के बाहर चले जाते हो फिर रनिंग करके बॉल देते तो भी हमें आसानी होती है, जैसे कि ऐसे ऐसे बॉल दे सकते हैं हम। तो आपको बता दिए कि हम ग्राउंड के बाहर हैं, जब हमें ग्राउंड के अंदर जो बॉल देना है तो ऐसे हम करके ऐसे बॉल दे सकते हैं ऐसे। हम दोनों पैरों जमीन पे जुड़े रखेंगे, बॉल को ऊपर नहीं रखना है, ऊपर जो रखेंगे तो फिर से फाउल होगा। इसलिए हमें ऐसे करना है, फिर से हम करते हैं ऐसे। जितना जोर लगाओगे उतना दूर हमारा बॉल जाएगा और हमारे खिलाड़ी को बॉल मिल सकता है। तो मैंने कहा वैसा ही हम ऐसे आकर ऐसे बॉल को दे सकते हैं। जो फाउल का जो थ्रो करते हैं उस बॉल को ऐसे थ्रो करना चाहिए। तो हम इस फिर से कर लेते हैं, ऐसे ऐसे थ्रो करेंगे, हमारे सामने वाले खिलाड़ी को हम देंगे, फिर ऐसे आकर ऐसे ऐसे हम दे सकते हैं हमारे बॉल को और हमारे खिलाड़ी को बॉल मिलता है। तो हमारी पोजीशन ये होनी चाहिए कि जमीन जमीन पे दोनों पैर जुड़े रहने चाहिए और ये है बॉल को ऐसे पकड़ना है ऐसे, मतलब कि जैसे डब्ल्यू आकार के ऐसे पकड़ना है और हमें ऐसे आकर पैरों को जो ऊपर ले गए तो फाउल फिर से होगा। इसीलिए दोनों पैरों को जमीन पर रखना है ऐसे और बॉल को हमको ऐसे देना है। तो फ्रेंड, मैंने आपको सिखाया जो थ्रो बॉल सिखाया, तो वो हमारे फुटबॉल गेम में जो कोई भी गलती से हमारा बॉल बाहर निकल जाता है तो हमारे थ्रो बॉल आता है। तो हमेशा हमारे प्लेयर से जो गलती हो जाती है तो सामने वाले को बॉल मिल जाता है। तो ज़्यादातर थ्रो बॉल होता ही है, फाउल भी होता है, ज़्यादातर बॉल बाहर चला ही जाता है, इसलिए थ्रो बॉल ज़रूरी होता है। तो थ्रो बॉल मैंने आपको सिखाया है, ऐसा थ्रो बॉल करना चाहिए। तो